अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और मैं आज आपके साथ मौजूद हूं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम और कुछ नंबर सिस्टम की डेफिनेशंस, जैसे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, और फिर हमने उनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। आज हम उन्हीं में से एक एग्जांपल को प्रूव करेंगे। वो एग्जांपल है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक इरैशनल नंबर प्रूव करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरैशनल नंबर, वो सिमिलरली आप खुद प्रूव करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट एक इरैशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरैशनल नंबर है, हम इसकी जो इसका जो प्रूफ है वो कंट्राडिक्टिवली करेंगे। हम सपोज करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, मतलब a ओवर b की फॉर्म में या p ओवर q की फॉर्म में। तो हम इसको किसी भी नंबर p ओवर q का नाम देंगे। पहले हम सपोज करते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई पी ओवर क्यू इंटीजर्स इक्वल होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। यहां पे पी और क्यू जो है वो कोई से इंटीजर्स है, हम जानते हैं कैपिटल जी इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। और यहां पे हम एक और कंडीशन सपोज कर रहे हैं and p over q is the simplest fraction मतलब p over q को मजीद simplify नहीं किया जा सकता, यह सबसे simplest form में मौजूद है, मतलब 4 over 2 की form में मौजूद नहीं है। या एक और एग्जांपल ले ले कि फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 3 3 9, तो ये 1/3, तो 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इस तरह से 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमने सपोज किया है कि p ओवर q भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब p ओवर q जो है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, तो हमने सपोज कर लिया, तो हम आप नेक्स्ट चलते हैं। p को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 q की फॉर्म में, और हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स का,
taking square on both sides. तो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू का स्क्वेयर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग इनका स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वेयर। पी स्क्वेयर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वेयर इज इवन, क्योंकि पी स्क्वेयर आ रहा है क्यू स्क्वेयर को टू से मल्टीप्लाई करने से, और हम जानते हैं कि टू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो इवन नंबर होता है, इसलिए हम कह रहे हैं पी स्क्वेयर इज इवन। और अगर पी स्क्वेयर इवन है, मतलब अगर स्क्वेयर इवन है, तो आपका क्या ख्याल है कि पी ऑड होगा? नहीं, पी भी इवन होगा। पी इज, इससे हमें क्या पता चला कि पी इज इवन, तमाम जो स्क्वेयर्स हैं अगर वो इवन नंबर हो तो उनके उनका स्क्वेयर रूट भी इवन नंबर ही होता है। पी इज इवन, अगर पी इवन है तो हम लेट कर रहे हैं, लेट पी इक्वल्स टू सम टू को अगर टी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पी आ रहा है, और टी कोई अनदर जो है वो इंटीजर है, टी भी कोई इंटीजर ही है जैसे पी और क्यू इंटीजर्स है। हम इस पी इक्वल्स टू टू टी को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, पुट इन वन, इक्वेशन वन। तो जब हम पी की जगह पे टू टी को रिप्लेस करेंगे, इसकी भी हमें जरूरत पेश आएगी, इसलिए इसको इक्वेशन टू का नाम दे रहे हैं, टू टी का स्क्वेयर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वेयर। तो फोर टी स्क्वेयर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वेयर। नेक्स्ट, बोथ साइड्स बाय टू, तो ये रह जाएगा टू टी स्क्वेयर, इधर से टू कैंसिल होगा तो रह जाएगा क्यू स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू टी स्क्वेयर। अब यहां पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये सिमिलर फॉर्म बन गई है, ये वाली टी भी कोई इंटीजर है, और टी स्क्वेयर जब टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यू स्क्वेयर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बोले, क्यू स्क्वेयर इज इवन। जब क्यू स्क्वेयर इवन है तो सिमिलरली जिस तरह से हमने पी स्क्वेयर इवन था तो पी को इवन कहा, अब क्यू भी इवन हुआ, जब क्यू स्क्वेयर इवन है तो क्यू भी इवन है। अगर क्यू इवन है तो सिमिलरली हम इसको लेट कर रहे हैं कि जो क्यू है वो इक्वल है टू यू के, इसको हम इक्वेशन नंबर फोर कह लेते हैं। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करते हैं, यूजिंग यूजिंग टू एंड फोर, पी ओवर क्यू हमारे पास आ गया टू टी ओवर टू यू। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि पी इक्वल है टू टी के, मतलब पी ओवर क्यू जो है वो इस फॉर्म में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जरा आप गौर करें तो ये टू इस टू से कैंसिल हो रहा है, मतलब पी ओवर क्यू जो फॉर्म है वो इक्वल है टू टी ओवर टू यू के, और इसमें कोई सा नंबर जो है वो टू कैंसिल हो रहा है, विच इज
कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, क्योंकि हमने कहा था कि पी ओवर क्यू जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट है, लोएस्ट फॉर्म है। हमने कहा था कि पी ओवर क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो लेकिन यहाँ पे तो ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन के, जो हमने सपोज किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज अ रैशनल नंबर, और हमने कहा था कि ये पी ओवर टू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने वो सपोज ही गलत किया था। तो ये प्रूव हो गया कि ये कंट्राडिक्शन है, ये बात जो हमने सपोज की थी वो गलत है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ टू इज एन इरेशनल तो हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट्स जरा इस पे गौर कीजिए। ये हमारा एक कुछ जो है वो चीज़ों को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स में जो है वो कंट्राडिक्टिवली मेथड होता है। हम सपोज जो है वो उलट कर लेते हैं जो चीज़, फॉर एग्जांपल ये है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ टू एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमें पता था कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव करना था कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमने कंट्राडिक्टिवली सपोज किया कि स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है वो रैशनल नंबर है। जब स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल नंबर है तो वो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, जब पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमने कहा कि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस की, ठीक है, पी यहाँ पे हमारे पास टू टी के इक्वल आया, क्यू जो है वो टू यू के इक्वल आया, और हमने इनको जब अगेन डिवाइड किया तो 2t ओवर 2u आया। इसका मतलब जो है वो p ओवर q में से कुछ कैंसिल भी हो रहा है जो कि 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलत बात है जो हमने सपोज की थी, ये उलट हमने सपोज कर दिया था बेसिकली। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हमें एक डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जी, अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज अ रूल यूजुअली डिनोटेड बाय स्टेरिक दैट असाइन्स टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर
अनदर एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी सेट ए में एक रूल है जो कि किसी भी दो एलिमेंट्स को एक और एलिमेंट का नाम दे देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक सेट है, हम इसे कह लेते हैं 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, मैं इसको ए का नाम दे रहा हूं। हम इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 एंड 3। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या काम करता है, बाइनरी ऑपरेशन इन 2 और 3 के दरमियान जब बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो कोई सा और नंबर आंसर में आएगा। इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस जो हम पढ़ते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो अगर हम यहाँ पे एडिशन लें तो 2 जब 3 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इक्वल आएगा आंसर 5 के। तो 5 भी एक ए का ही एलिमेंट है। होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी सेट ए में एक रूल है दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर अनदर एलिमेंट ऑफ ए, जो है एक रूल है जो किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स को जो एक और एलिमेंट का नाम देता है। यहां पे टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में जाके इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। We assume that two binary operations, addition and multiplication, are defined in capital R. इस सिंबल को हम ने नाम दिया था रियल नंबर्स का, तो हमने यहाँ पे सुपोज किया है, अज्यूम किया है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो रियल नंबर्स में डिफाइंड है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम नाम देंगे क्लोजर लॉ या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ क्या है, फॉर ऑल इस सिंबल को हम नाम देंगे फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के कोई से दो एलिमेंट्स ए एंड बी के लिए, किसी भी दो एलिमेंट्स ए और बी के लिए अगर हम ए को बी में ऐड करें तो आंसर इनका बिलोंग करेगा कैपिटल आर को। मतलब ए और बी को जमा करें, ऐड करें, तो जो आंसर आएगा ए प्लस बी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही मौजूद होगा। इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ। फॉर एग्जांपल 2 को अगर मैं 3 में ऐड करूं तो जो 5 आ रहा है हमें पता है ये भी एक रियल नंबर है। एक और एग्जांपल,
अगर मैं 1/2 को ऐड करूं 5 में, तो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो यहां से स्टूडेंट्स होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर लॉ बेसिकली है क्या, कि किसी भी दो एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को अगर ऐड किया जाए, तो आंसर अगर उसी सेट का एलिमेंट हो, आंसर अगर उसी सेट का एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। इस सूरत में देन कैपिटल आर इज सेट टू बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो उस सूरत में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उनको हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ के लिए हम कोई से तीन एलिमेंट्स लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम ए को बी में जमा करें, ए को बी में ऐड करें और उसमें सी ऐड करें, तो ये इक्वल होता है। अगर हम ए को बी प्लस सी में ऐड करें, मतलब हमें पता है कि जो ब्रैकेट्स वाला जो ऑपरेशन है वो हम पहले करते हैं, तो ए प्लस बी को जब सी में ऐड करेंगे तो वो आंसर इक्वल होगा बी प्लस सी को जब ए में ऐड करें। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसकी हम एग्जांपल करते हैं, हम 2, 3 और 5 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एलिमेंट्स ले लेते हैं। 2 + 3 को जब ऐड करें और फिर जमा करें 5 में, वो इक्वल होगा 2 को जब जमा करेंगे 3 + 5 में, तो ये आ जाएगा 5 + 5 = 10 आएगा, 5 + 3 = 8। तो आप देख सकते हैं 10 = 10। ये किसी भी रियल नंबर्स के लिए ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कोई सा भी रियल नंबर ले लेते हैं, हम उसे एक ही रियल नंबर लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर या सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम कोई सा भी नंबर लें कैपिटल आर में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई एक एलिमेंट हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होगा 0, सच दैट ये 0 इस तरह का होगा कि ए में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, ए के, डेफिनेटली ए के। और अगर हम 0 को ऐड करें ए में तब भी आंसर ए ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है वो एक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। असल में आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है कि वो जिस भी एलिमेंट में ऐड हो अपनी कोई शनाख्त नहीं देगी, जिस भी एलिमेंट के साथ
ऑपरेट करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ई को कह लें कि ये आइडेंटिटी है और इसको ई आइडेंटिटी यूज भी करेंगे, जब भी ये किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करेगी तो आंसर में खुद नहीं आएगी बल्कि दूसरा एलिमेंट आंसर में आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली ए कोई सा रियल नंबर है तो वो जीरो जब ऐड होगा ए में ए ही आंसर आएगा, ठीक है, इसलिए इस जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं। कोई सी एग्जांपल ले लें इसके लिए, टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस टू जो है वो दोनों आंसर टू देंगे, दैट्स व्हाई वी से दैट टू जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर फोर, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? बेसिकली इनवर्स की डेफिनेशन ये है, अगर हम कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं, या दो नंबर्स को ऑपरेट करें, फॉर एग्जांपल ए अगर ऑपरेट हो बी के साथ, ए और बी के दरमियान अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लें तो आंसर अगर आए ई, आइडेंटिटी अगर आंसर में आए, तो इसका मतलब ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे। तो इसी तरह से हम कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल जो है वो इस तरह से यूज किया जा रहा है, मैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ही लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं भी इसको देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल लिखूंगा। माइनस ए यहाँ पे रियल नंबर में मौजूद होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, कि जब हम ए को माइनस ए में ऐड करेंगे या माइनस ए को ए में ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा। हम कहते हैं ना कि दो नंबर्स अगर डिफरेंट साइंस के साथ मौजूद हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं या जीरो आंसर देते हैं, जीरो इक्वल आएगा, और हमें पता है जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। दैट्स वाई हम कहते हैं ए एंड माइनस ए आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, या माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। इसकी हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू का इनवर्स क्या होगा जरा बताइए, माइनस टू, माइनस टू इज द इनवर्स ऑफ टू, या टू इज द इनवर्स ऑफ माइनस टू, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे क्योंकि आंसर में जीरो दे रहे हैं। इसी तरह से थ्री का इनवर्स माइनस थ्री एंड माइनस थ्री का एडिटिव इनवर्स थ्री। तो ये थी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ जो है वो बेसिकली कम्यूट से निकला है, मतलब अदल बदल कर देना, अदल बदल करना मतलब कम्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर लेंगे, और अगर हम कम्यूट करें एडिशन को, मतलब ए प्लस बी कर रहे हैं पहले, तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, मतलब दोनों तरह से ये नंबर्स बराबर होंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल लें तो कोई सी भी ले सकते हैं, टू और माइनस थ्री ले लें, टू प्लस माइनस थ्री या फिर माइनस थ्री प्लस टू, टू माइनस थ्री प्लस टू, ये आएगा माइनस वन के इक्वल। तो माइनस वन दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ,
कि तमाम जो है वो रियल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। होप सो आपने आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे आप जाके नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।